प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त क्यों नहीं मिल पा रही है, ये आप किस तरीके से चेक करेंगे, आज के इस वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनका नाम लिस्ट में बहुत पहले से तो जुड़ गया है, लेकिन अभी तक उनको एक भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको आवास योजना की पहली किस्त या दूसरी किस्त तो मिल गई है, लेकिन बाकी की किस्त नहीं मिल पा रही है। सो ये आप कैसे चेक करेंगे कि आपको पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, आज के इस वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आवास योजना की लिस्ट में नाम है, इसके बाद भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे rhreporting.nic.in। इतना लिख लेंगे, उसके बाद इस सर्च वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप इसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पर FMS में रिपोर्ट्स में चार नंबर पे पेमेंट्स रिजेक्टेड बाय बैंक का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पे पहले नंबर पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहीं से सारा चीज़ पता चलेगा कि आपको पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको पहली किस्त नहीं मिल पाई है तो आप यहाँ पे फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको दूसरी किस्त नहीं मिल रही है, पहली किस्त मिल गई है, तो आप दूसरे को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तीसरी किस्त या चौथी किस्त क्यों नहीं मिल पा रही है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे जानते हैं कि हमें पहली किस्त क्यों नहीं मिल पा रही है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको ही यहाँ पे रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑल स्टेट्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आने के बाद आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका राज्य रहेगा। इतना करने के बाद उसके नीचे आपको एक सेलेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट इस लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद और एक सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी ब्लॉक रहेगा इसमें मिल जाएगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद सबसे नीचे कैप्चा देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो जितना भी कैप्चा रहेगा आप कैप्चा को टैप कर लेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइनली वो लिस्ट निकल के आ जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको PDF में भी मिल जाता है, अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट्स रिजेक्टेड बाय बैंक, यानी इन लोगों के अकाउंट में पैसा तो लगा दिया गया था लेकिन बैंक की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं कि FTO नंबर बता रहा है। आपको पता होगा कि FTO नंबर उसी टाइम दिखाई देता है जबकि सरकार की तरफ से पैसा लगा दिया जाता है। तो ये इस लिस्ट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाता है, इसी तरीके से बेनिफिशरी नेम देखने के लिए मिल जाता है, और आप इसको सेलेक्ट करेंगे बैक साइड में तो आपको यहाँ पे रिजेक्शन रीज़न भी देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको अपनी किस्त क्यों नहीं मिल पा रही है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी का ब्लॉक हो चुका है अकाउंट तो किसी का और कुछ बता रहा है। सो इस लिस्ट में आपके ब्लॉक में जितने भी लोगों का रिजेक्ट किया गया है उसका नाम देखने के लिए मिल जाएगा। सो अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि आपको अपना पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, जो कि आप यहां पे रिजेक्शन रीज़न में देख पाएंगे। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपको अपनी किस्त क्यों नहीं मिल पा रही है। और अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आपके क्षेत्र में सरकार की तरफ से पैसा लगाया जाएगा तो आपको अपना पैसा मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो लाइक करिए और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।